बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो व या कनास्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सब के लिए, पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या है। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स हैं, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक्तदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हुए हैं, मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है, हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फिरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को ग़ुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए, क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक की उनके इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को, अब मैं अपनी अब टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला है जो हमारे पर जब जुल्म हुआ, कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मज़दूर, हारी, किसान, जो कमज़ोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं है, उनके तहफ़ करने के लिए नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उन उधर उनको
उधर जुल्म होता है उनके ऊपर, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है, कब्ज़ा ग्रुप है यहाँ, क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब, 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, इंसाफ लेके हकीकी आज़ादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा, जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या अटपुट डील्स करेगा क्या, उसके कोई उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी, बताए मेरे ज़मीर की क्या कीमत है, क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दें तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन। मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शंस फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूँ और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूँ, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमज़ोर एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो कैसे उस पर कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे। तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा है, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो इसलाह जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ाद माशरों के अंदर ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ ग़ुलामों को होता है। ये सिर्फ फ़िरौन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, जो आज हमारे पे हो रहा है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त ये पीडीएम वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा। जब एक मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए और उनके लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, तो ये सिस्टम फिर जाता नहीं है। कोई भी संभाल के ये सिस्टम सब इस पर, अगर आज हमारे हकूक नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं ना, इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सारे मुल्क के होते हैं, ये नहीं होता कि एक तबके के आप ह्यूमन राइट्स ले लें और वो तबका क्या है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर आप उसके ह्यूमन राइट्स आज वायलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो एक मुल्क की अदलिया उसकी हिफाजत करती है। तो हमारी अदलिया के तो कुछ होता ही नहीं है, हमारी अदलिया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन होंगे 14 मई को आइन के मुताबिक, गवर्नमेंट परवाही नहीं करती, तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन, यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई, क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए, उसके बाद तो जो ताकतवर चाहे वो करेगा, तो ये सारे मुल्क को इफेक्ट करेगा, ये तबाही सारे मुल्क पे आ रही है। तो हमारे लोगों को जो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि कोई फर्क नहीं किया जा रहा, जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है, उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुँच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुँच गए हैं, हर किस्म की ब्लैकमेल, रात को घुस जाते हैं घरों में, घर तबाह करके रख देते हैं, लूट लेते हैं घर, घरों को डाका मारा जाता है, जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में, यानी वो निज़ाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है, हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, सोवियत यूनियन, ये उन खौफनाक जुल्म के निज़ामों में इस तरह की चीज़ें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही हैं। मेरे पास आलिया हमजा की बेटियाँ हैं, मैंने कल उनको मिला, 3 बेटियों को, 1 महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा, क्या उसका कसूर है? उसका वालिद, वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी, उनकी टीवी तोड़ दी, दो आदमी उन्होंने लाठियां पकड़ी हुई थी, जो चीज़ आए तोड़ तोड़ के चले गए, जो चीज़ 2-3 अच्छी चीज़ें पसंद आई उठा के ले गए। तो ये कौन से मुल्क में होता है?
ये गुलाम मुल्कों में लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये हो रहा है, ये आज़ाद कौमों में नहीं होता। और ये जिस तरफ हम अब जा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खौफ पिला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी, और कई लोग चले भी गए हैं। लेकिन क्या अब मेरे से पूछें कि क्या मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? 150 से ऊपर केसेस कर दिए, कत्ल का केस आखिरी कर दिया मेरे ऊपर, मुझे 19 बेले लिए मैंने एक दिन में, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। उसके बाद 4 घंटे नैब में बैठा हूं, 4 घंटे नैब ने मेरे से वो जो सवाल पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी अदालत के अंदर कभी भी ये केस की कोई अहमियत हो जाए, कोई केस ही नहीं है, कैबिनेट का फैसला है, सारी कैबिनेट ने फैसला किया। अब ये दिखाना था कि मुझे उससे कोई ज़ाती फायदा हुआ। क्या अलकायदा जो पहला बन चुकी थी, शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी, क्या वो एक ट्रस्ट है? वहाँ गरीब बच्चों, गरीब घरानों के बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है सीरत नबी पे और ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो ट्रस्ट है जिसने शौकत खानम है, मुझे उससे क्या फ़ायदा है? 1 रुपया नहीं दिखा सकते, मुझे क्या फ़ायदा हो? ना ही हो, किसी ट्रस्ट से किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता, ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। तो वो केसेस भी हैं, कत्ल का केस भी है, हर रोज कोई नए केस आ जाता है, अदालतों के मैं चक्कर मार रहा हूं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर अदालत में जाता हूं, हर केस में जाता हूं, ये बताने के लिए कि मैं कानून से ऊपर नहीं हूं, जबकि मेरे ऊपर ये जान के किया जा रहा है, ये मुझे खौफ दिलाने के लिए किया जा रहा है। मैं ये आज कहना चाहता हूं कि या इससे ये सारे केसेस करें, और इस केसेस में क्योंकि किसी अदालत में कोई सजा नहीं हो सकती, मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं, अप्रूवर ढूंढे जा रहे हैं, जो कहेंगे जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वो कोर कमांडर का घर जलाओ, ये कहेंगे, उनमें से कोई अप्रूवर आ जाएंगे, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, सजा हो जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी एक मिशन, जो 22 साल स्ट्रगल करके, जो अगर जिसके पास सब कुछ था, कोई ज़रूरत नहीं थी 22 साल स्ट्रगल करने की, अगर वो आज 27 साल के बाद अगर किसी का ख्याल है कि मैं जेल से डर जाऊंगा या जो भी है, जो ढाई कातलाने हम दो मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं कत्ल करने के लिए, एक मुझे वक्त पे पता चल गया तो मैंने टीवी पे बता दिया कि क्या करने जा रहे थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो कातलाना हमले से नहीं डरता तो वो किससे और डरेगा? लेकिन उससे भी ज़्यादा घटियापन मेरी बहनों तक पहुँच गए हैं, मेरी बीवी के ऊपर केस, ट्रस्टी हो के उसका वारंट का, एक ट्रस्टी को एक पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सीरत नबी में बहुत उनकी स्टडी है, वो इंटरेस्टेड थी अल कादर यूनिवर्सिटी, वो ट्रस्टी है, उसके ऊपर वारंट निकाल दिया। मेरी बहनों के ऊपर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस लेवल पर पहुँच गए हैं, एक बहन का बेटे के ऊपर वारंट निकाला है, उसका खुनसामा उठा के ले गए, वो बेटा नहीं था, खुनसामा जब वापस आया वो ICU में 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है ICU के अंदर, खनसामा, उसे पता है क्या किया वहाँ जेल के अंदर। एक बहन उसकी बहू के पास पहुँच गए कि जी आप कोई जियो फेंसिंग में आप कहीं थी, उसके पास पहुँच गए। एक बहन उसकी ज़मीन, उसकी लय, उसके ऊपर एंटी करप्शन पहुँच गई है। मैंने अपनी बहनों को वैसे कहा, मैंने कहा देखो मुल्क से बाहर चले जाओ, वो तीनों खड़ी हैं, नहीं हम फेस करेंगे, हम नहीं जाते। मुझे कई दफ़ा जी इमरान खान आप मुल्क से बाहर, मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊंगा? यानी मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद जिस तरह ये भाग जाते हैं, जब इनके ऊपर इख्तदार से निकलते हैं सब बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि इनके केसेस होते हैं, बाहर भागते हैं केसेस रुक जाते हैं। मैं सारे केसेस फेस करूँगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे पता है अल्लाह अलहक है। ये खुद ही जब ये जो कोयटा का मर्डर केस किया, ये खुद ही जलील हो रहे हैं, उसमें सबको पता है, कोयटा के अंदर सबको पता है कि उनकी दुश्मनी थी। मैं फिर आगे आपको कहूँ, अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते, कौम मेरे साथ खड़ी है,
क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे से तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये जो बजट आया है, इस बजट के अंदर ज़रा आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम अब किधर एक दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं। आप ये सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट जो सारा जब वो पैसे दे देगी सूबों को, जो 5000 अरब रुपया सूबों को जब जाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा बचेगा उससे ज़्यादा जो हमारा सूद देना है, हमने कर्ज़ों के ऊपर सूद देना है, वो सूद उससे ज़्यादा है। 7300 अरब रुपए का सूद देना है, मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाएगा 7000 अरब से भी कम, तो सारा फिर मुल्क कर्ज़ों पे चलेगा। हमने 3.5 साल में 18000 अरब 18400 अरब कर्ज़ा लिया था, 18400 अरब कर्ज़ा 3.5 सालों में। इन्होंने तकरीबन 15000 अरब कर्ज़ा 1 साल में ले लिया। तो ये कर्ज़े चढ़ाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ग्रोथ रेट जो थी जिससे दौलत में इजाफा होता है वो 6.1% साल पहले थी, आज वो पहुंच गई है 0.3 पे। तो जो दौलत है उसके अंदर तो कमी हो रही है, कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर किधर से आएंगे? इन्होंने 25-30 अरब डॉलर 1 साल के अंदर देने हैं, वो किधर से आएंगे? तो मैं आज इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई तो रोड मैप होगा ना। अभी तो रोड मैप ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को ख़त्म करो, और अगर PTI इमरान खान से तो उसको ख़त्म करो। तो अभी तो ये वन पॉइंट एजेंडा, सारी एजेंसी, सब कुछ, सारे मुल्क के इदारे वो इसी पे लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि करें, हम खड़े हैं इसमें से। एक आप ये कर्म कर रहे हैं कि मेरे जो नज़रियाती लोग हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं कि वो नज़रियाती लोग कौन है, और वो नज़र आना शुरू हो गया कि जो हमारे साथ और मकसद के लिए आए थे, उन नज़रिए के लिए नहीं आए थे। तो एक तो आप फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नज़रियाती पार्टी अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है। लेकिन निकालेगी कैसे? मेरी आखिर में बात सुन लें, एक ही तरह हम निकलेंगे। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा, तो उस वक्त मुल्क हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए थे ये नून लीग वाले, ये साकदार, तो उनसे पैसा मांगना सबसे शर्मिंदगी थी। अब कैसे निकल रहा है? मैं आपको बताता हूँ कैसे निकल रहा है। इसमें एक सोर्स है, ओवरसीज पाकिस्तानी, ये याद रख लें, बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको निकालेंगे इधर से। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैसे निकालेंगे? मैंने फिर से आपको कहता हूं कि 16000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। हम IMF से 6 अरब डॉलर की पीछे उनके मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह दे दें हमें। 200 अरब डॉलर उनकी है, ये सिर्फ 16000 है। 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ है। अगर हम किसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट लें, वो या सरमायाकारी शुरू कर दें बजाय दुबई में करने में और दुनिया में और मुल्कों में कर रहे हैं, अगर वो सरमायाकारी शुरू कर दें, आप यकीन करें ये मुल्क उतनी तेज़ी से उठ सकता है, क्योंकि डॉलर अंदर आने शुरू होंगे, नौकरियां मिल, और वो आना शुरू हो गया था। हमारे आखिरी दिनों में पैसा ओवरसीज रोशन डिजिटल अकाउंट क्या था, ओवरसीज पाकिस्तान 1.5 साल के अंदर 5.5 अरब डॉलर पहुँच गया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लिए थे। हमारे ये जो रावी प्रोजेक्ट और ये जो बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट था, वहाँ बाहर की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, जब इन्होंने NOC वापस ले लिया सिंध गवर्नमेंट में। देखें, बचाना इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानी, जब चाइना ने और हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोली तो ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज हिंदुस्तानियों ने पहले इन्वेस्ट किया था, हमारा भी वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए जब तक इंसाफ का निज़ाम हम ठीक नहीं करेंगे, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जब तक हम ये नहीं कायम करेंगे, उनका पैसा नहीं आने लगा। तो चैलेंज अब क्या है?
रूल ऑफ लॉ हमने ख़त्म करके रख दिया। पहले 140 मुल्कों में से पाकिस्तान 129 था रूल ऑफ लॉ में। अब जो ये इन्होंने क्रैक डाउन किया, अब तो ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया है, अब तो वो बनाना रिपब्लिक बन गया है। तो जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दौलत में इजाफा कैसे होगा? यहाँ तो इस वक्त पाकिस्तानी पैसा बाहर भेज रहे हैं, पाकिस्तानी डॉलर लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो किसी को इतमाद ही नहीं है। तो जब तक हम इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करते, जो मैं 27 साल पहले इंसाफ की तहरीक लेके निकला था, रूल ऑफ लॉ की तहरीक, वो जब तक अब हम कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस सिस्टम तब ठीक होगा, इदारे मजबूत होंगे, और जब लोगों को इत्माद हो जाएगा कि हमारे अब जब मैं अपनी सरमायाकारी करूं तो यहाँ का जो कानून है, जो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो इनकी अदलिया है, वो मेरी सरमायाकारी की हिफाजत करेगी, मेरे से फ्रॉड नहीं होने देगी। ये जब तक इत्माद नहीं होता, पैसा नहीं आने लगा। और उसके लिए जब तक के हुकूमत नहीं आती जो पब्लिक मैंडेट से आए, जिसको पब्लिक सपोर्ट करे, जिसको बड़ा वोट मिले और पब्लिक की सपोर्ट से आए, सिर्फ वही बड़े बड़े फैसले कर सकती है। नहीं तो इनको तो आपने देख ही लिया है, क्या किया इन्होंने सिवाय महंगाई करके, तारीखी महंगाई 38% पे इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट, इन्होंने और क्या करना है? तो ये जो अभी तक तो गेम प्लान में यही खिचड़ी पकने लगी है ना, आगे नई आ गई है, नई जमात एक क्रिएट कर दी है, हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे 27 साल पुराने हमने लोग वहाँ भी भेज दिया है उनके पास, और ज़रूरत है तो हुक्म करें हम और भी भेज देते हैं। लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा। मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी। और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूँ, नज़रसानी करें, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और जब ये तबाही जिस तरफ जा रहा है और IMF की अगली कंडीशंस आएंगी, जिस तरह उन्होंने मिस्र और श्रीलंका में उन्होंने कंडीशन लगाई, वो क्या है कि फ़ौज का बजट कम करो, दोनों जगह उन्होंने कहा, तो ये तो हम उधर जा रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी एंड में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और एक बार सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी इस मुल्क की, तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं वो मुल्क तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, कोई मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं कोई किसी मुझे ये समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इंतकामी कार्रवाई, मुझे छोड़े मेरी बहनें बाहर जाने के लिए नहीं तैयार। वो तो औरतों के ऊपर तो कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है। और इसलिए वक्त कम है, जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम और अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ कानून ख़त्म हो चुका है, किसी को इस वक्त, फिर से मैं कहता हूँ, जब अदलिया अपने फैसले नहीं करवा सकती, जब आईन की कोई परवाह नहीं कर रहा, जब पुलिस खुलेआम घरों में घुस के लोगों के घर लूट रही है और उठा के लेके लोगों को जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, तो उस मुल्क में तो अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे? बताए ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका बड़ा असासा है, वो क्या सोच रहा होगा? वो कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाना है? तो अगर उन्होंने नहीं लगाना तो और तो इस वक्त कोई है नहीं। जब तक हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, वो तो टाइम लगेगा कि हम अपनी डॉलर इनकम बढ़ाएं, तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंटरम में तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।